गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। लास्ट वीडियो में हम अंड जनन की बात कर रहे थे, ठीक है। अंड जनन में अपन ने क्या क्या देखा था? तो अंड जनन में हमने देखा था कि अंडाशय में जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं, वो द्विगुणित कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर ओवम या अंडाणु या अंड कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। अंडजनन की तीन प्रावस्थाएं होती हैं, गुणन, वृद्धि और परिपक्व, ठीक है। अंडजनन की तीन प्रावस्थाएं हैं। पहली प्रावस्था हमने देखी थी गुणन प्रावस्था, ठीक है। दूसरी प्रावस्था है वृद्धि और तीसरी प्रावस्था देखी थी परिपक्व, ठीक है। जो तीन प्रावस्थाएं हैं, इन तीन प्रावस्थाओं में से वृद्धि प्रावस्था है, इसको हम आज डिटेल से देखेंगे, ठीक है। आज हम किसकी बात करेंगे? वृद्धि प्रावस्था की। वैसे हमने अंडजनन की प्रक्रिया कंप्लीट देख ली है, लेकिन इस वृद्धि प्रावस्था में और क्या होता है, क्या क्या इसमें परिवर्तन होते हैं, वो हम आज यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था की हम बात करने जा रहे हैं आज। किसकी बात करेंगे? वृद्धि प्रावस्था। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अंडजनन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? तो अंडजनन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? वृद्धि प्रावस्था। पहली बात ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? वृद्धि प्रावस्था, ठीक है। ये जो वृद्धि प्रावस्था है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। वृद्धि प्रावस्था को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो है प्री वाइटेलोजेनेसिस, और दूसरी है वाइटेलोजेनेसिस। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था को भी हमने कितनी उपप्रावस्थाओं में डिवाइड कर दिया? दो, प्रीवाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस, ठीक है। पीछे हमने देखा था कि जो वृद्धि प्रावस्था है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। वृद्धि प्रावस्था में केवल उगोनिया क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और प्राथमिक ओसाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस वृद्धि प्रावस्था को दो उपप्रावस्थाओं में बांट दिया, प्रीवाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। प्रीवाइटेलोजेनेसिस में क्या होगा, तो ध्यान रखना, इस प्रीवाइटेलोजेनेसिस में केंद्रक व कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य में परिवर्तन किसमें होंगे? प्रीवाइटेलोजेनेसिस में। और ये जो वाइटेलोजेनेसिस है, वाइटेलोजेनेसिस में क्या होगा, तो ध्यान रखना बच्चों, वाइटेलोजेनेसिस में योक या पित्तक का निर्माण होता है। योक या पित्तक का निर्माण किसमें होगा? वाइटेलोजेनेसिस, ठीक है। पहले अपन बात करेंगे प्रीवाइटेलोजेनेसिस, ठीक है। प्रीवाइटेलोजेनेसिस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? केंद्रक में परिवर्तन, केंद्रक में परिवर्तन, ठीक है। स्पर्मेटिक से शुक्राणु बन रहे थे, उस दौरान भी केंद्रक और कोशिका द्रव्य में परिवर्तन हुए थे ना। वैसे ही यहां पर अंडजनन में भी क्या होते हैं? अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था में
उगोनिया के केंद्रक और कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसके लिए एक बार शुक्रजनन में जाओ। शुक्रजनन में हमने क्या देखा था, जब स्पर्मेटिक से शुक्राणु बन रहे थे तो अधिकांश केंद्रक द्रव्य नष्ट हो गया था, केंद्रिकाएं नष्ट हो गई थी, आरएनए भी नष्ट हो गया था और केंद्रक में केवल क्या शेष बचा था, डीएनए। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो केंद्रक द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, केंद्रक द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना, केंद्रिकाओं की संख्या भी बढ़ जाती है, केंद्रिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। केंद्रक के अंदर आरएनए, प्रोटीन और डीएनए की मात्रा, डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। वहां पर इन सब में क्या हो रही थी, कमी, और यहां पर क्या हो रहा है, इनमें वृद्धि। तो ध्यान रखना, केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, केंद्रक द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, केंद्रिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, आरएनए, प्रोटीन और डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आरएनए के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन। क्या बोलेंगे, जीन एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि यहां पर अधिक आरएनए का निर्माण होता है और अधिक आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, तो ध्यान रखना, मछलियां उभयचारी, मछलियां उभयचारी व सरीसृप, ठीक है। कौन कौन, मछलियां, अधिकांश मछलियां उभयचारी और सरीसृप की जो वृद्धि प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था में लैम्ब ब्रुस गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, लैम्ब ब्रुस गुणसूत्रों का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लैम्ब ब्रुस गुणसूत्रों का निर्माण किस प्रावस्था में होता है, वृद्धि प्रावस्था में। किस प्रावस्था में होगा, वृद्धि प्रावस्था में। तब ये जो लैम्ब ब्रुस गुणसूत्र है ये किस में पाए जाते हैं, तो लैम्ब ब्रुस गुणसूत्र कुछ अधिकांश मछलियों में, उभयचारियों में और सरीसृपों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो लैम्ब ब्रुस गुणसूत्र है, इन लैम्ब ब्रुस गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, रुकर्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। लैम्ब ब्रुस गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, रुकर्ट नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है। ये रुकर्ट नामक वैज्ञानिक ने लैम्ब ब्रुस गुणसूत्र को खोजा था, और किसमें खोजा था, सुर्रा मछली की, सुर्रा मछली की अन्य कोशिका में, ठीक है बच्चों। लैम्ब ब्रुस गुणसूत्रों की खोज तो किसने की थी, रुकर्ट नामक वैज्ञानिक ने। किसमें खोजा था, सुर्रा मछली की अंड कोशिका में लैम्ब ब्रुस गुणसूत्रों को खोजा था, ठीक है। ये जो लैम्ब ब्रुस गुणसूत्र है ये कब दिखाई देते हैं, तो लैम्ब ब्रुस गुणसूत्र
मियोसिस फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटील अवस्था में दिखाई देते हैं, डिप्लोटील अवस्था में दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, मानव में लैंप पुरुष गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। लैंप पुरुष गुणसूत्र किसमें मिलेंगे? जिनमें पित्तक पाया जाता है। तो मानव की अंडकोशिका में पित्तक नहीं होता, इसलिए लैंप पुरुष गुणसूत्र नहीं पाए जाते। लैंप पुरुष गुणसूत्र उन्हीं अंडकोशिकाओं में मिलेंगे जिनमें पित्तक पाया जाता है, जैसे अधिकांश मछलियां, उभयचारी और सरीसृप। तो इन लैंप पुरुष गुणसूत्रों का कार्य ही क्या है? पित्तक का निर्माण करना। कार्य क्या है इनका? पित्तक का निर्माण करना। तो ये तो बात किसकी होगी? केंद्रक में परिवर्तन। केंद्रक में ध्यान रखना, सभी पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, चाहे वो केंद्रक द्रव्य हो, केंद्रिका हो, आरएनए हो या फिर डीएनए। ठीक है। इसके अलावा मछली, उभयचारी, सरीसृप की वृद्धि प्रावस्था में लैंप पुरुष गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है, और इन लैंप पुरुष गुणसूत्रों को रुकट नामक वैज्ञानिक ने सुर्रा मछली की अंडकोशिका में खोजा था। ठीक है। ये मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देते हैं, और इनका कार्य, तो कार्य मुख्य रूप से कार्य क्या है? पित्तक का निर्माण करना। ठीक है। योग या पित्तक का निर्माण करना। तो प्री वाइटेलोजेनेसिस में हमने केंद्रक में परिवर्तन देखा। केंद्रक में परिवर्तन होने के बाद किसमें परिवर्तन होगा? कोशिका द्रव्य में। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। कोशिका द्रव्य में परिवर्तन, अब ध्यान रखना बच्चों, कोशिका द्रव्य में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो केंद्रक में आपने देखा डीएनए की मात्रा बढ़ी, डीएनए की मात्रा बढ़ी तो आरएनए की मात्रा बढ़ेगी, और आरएनए की मात्रा बढ़ेगी तो प्रोटीन का निर्माण होगा। अब जैसे ही प्रोटीन निर्माण होगा, प्रोटीन तेजी से सक्रिय होकर के क्या करेगा? कोशिका द्रव्य को बढ़ाएगा, यानी कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है। पहला परिवर्तन तो क्या ध्यान रखना है? कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। अब ध्यान रखने हैं आपको कौन कौन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ध्यान रखना, सबसे पहले बात करेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये शुक्राणु में भी होता है और अंडकोशिका में भी होता है। तो देखो, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया समेकित होकर के किसका निर्माण कर रहे थे? निब्बेनकर्ण का। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया समूह में एकत्रित होकर के माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो सभी माइटोकॉन्ड्रिया, सभी माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण करते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बादल। ठीक है।
सभी माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल बादल। जिसको अब देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स है, ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स ऊप्लाज्म में पाए जाते हैं। ऊप्लाज्म यानी जो अंड कोशिका होती है या उगोनिया है, उगोनिया के कोशिका द्रव्य को ऊप्लाज्म कहते हैं। उगोनिया के कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स है, ये कहां मिलेंगे आपको? ऊप्लाज्म में। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम? बाल डीएनए के पीतक वल्य। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स को ही क्या बोलते हैं? बाल डीएनए के पीतक वल्य। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो, यानी कोशिका द्रव्य या ऊप्लाज्म में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये आपस में समेकित होकर के माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण करते हैं, जिसको बाल डीएनए के पीतक वल्य कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने तो किसका निर्माण कर दिया? माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। इसके बाद दूसरा जो कोशिका है वो है गोल्जी का। ये जो गोल्जी काय है, ये गोल्जी काय ऊप्लाज्म में गोल गोल कणिकाओं का निर्माण करता है। गोल्जी काय क्या करता है? गोल गोल कणिकाओं का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो ध्यान रखना, गोल्जी काय सक्रिय होकर गोल गोल कणिकाएं बनाता है। गोल गोल कणिकाएं बनाता है जिसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, गोल्जी काय किसका निर्माण करता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करता है। और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल अंडे के चारों तरफ परिधि की ओर पाई जाती है। अंड कोशिका में चारों ओर परिधि की ओर पाई जाती हैं, चारों ओर कहां स्थित होती हैं? परिधि की ओर स्थित होती हैं। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये निषेचन के बाद, किसके बाद? निषेचन के बाद, निषेचन झिल्ली का निर्माण करती है। निषेचन झिल्ली का निर्माण करती है। ये निषेचन झिल्ली है, ये क्या करती है? निषेचन के बाद अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है, यानी एक अंडकोशिका में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है। ठीक है, तो अन्य शुक्राणु को रोकने के लिए किसका निर्माण होता है? निषेचन झिल्ली का। तो निषेचन झिल्ली का निर्माण किससे होगा? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल किससे बनी होती है? गोल्जी काय से। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने तो किसका निर्माण कर दिया? माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का, जो कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। ठीक है,
जिनको क्या बोलते हैं, बाल वेली के पित्तक वल्ले। गोलजिकाएं ने क्या किया, गोलजिकाएं ने कोर्टिकल ग्रेन्यूल का निर्माण करती है, और कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करती है, निषेचन झिल्ली का निर्माण करती है जो अन्य शुक्राणु को अंडे में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, इसी अवस्था में यानी उगोनिया में ही क्या हो जाता है, ये गोल्जी का विटेलाइन झिल्ली का निर्माण करती है। विटेलाइन झिल्ली का निर्माण भी वृद्धि प्रावस्था में ही हो जाता है, और विटेलाइन झिल्ली का निर्माण किससे होगा, गोल्जी का से। तो विटेलाइन झिल्ली का निर्माण भी कब हो जाता है, वृद्धि प्रावस्था में, किससे होगा, गोल्जी कार से। ठीक है बच्चों, फिर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, उनमें से एक सेंट्रियोल नष्ट हो जाता है, और ईआर भी क्या होती है, इस अवस्था के अंत में नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्रारंभिक यहां पर चार कोशिका द्रव्य में, आपको कोशिका द्रव्य में चार कोशिकाएं मिलेंगी, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, सेंट्रोसोम और ईआर। ठीक है, उनमें से मुख्य दो याद रखने हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाय। सेंट्रोसोम का एक सेंट्रियोल नष्ट हो जाएगा, और ईआर है वो इस वृद्धि प्रावस्था के अंत में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बात इसकी होगी उप्लाज्मिया, कोशिका द्रव्य में परिवर्तन की। ठीक है, ये प्रावस्था तो कौन सी है, प्री वाइटेलोजेनेसिस। अब इसके बाद वृद्धि प्रावस्था की दूसरी उपप्रावस्था है वाइटेलोजेनेसिस। ठीक है, वाइटेलोजेनेसिस में क्या होगा, तो वाइटेलोजेनेसिस पित्तक का निर्माण होता है। ठीक है, तो दूसरी प्रावस्था ध्यान रखना आप, वाइटेलोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, और वाइटेलोजेनेसिस में क्या होगा, वाइटेलोजेनेसिस में पित्तक का निर्माण, वाइटेलोजेनेसिस में क्या होता है, पित्तक का निर्माण होता है। अब पित्तक का निर्माण कहां होगा, तो ध्यान रखना, पित्तक का निर्माण अंडाशय से बाहर होता है, अंडाशय में नहीं बनता है पित्तक, पित्तक का निर्माण अंडाशय से बाहर होता है, अंडाशय से बाहर। अब आपको ध्यान रखना है अंडाशय से बाहर कहां होगा, तो ध्यान रखना जो कीट है, कीटों में पित्तक कहां बनेगा, वसाकाय, कीटों में पित्तक का निर्माण कहां होता है, वसाकाय में होता है या फैट बॉडी में होता है, और जो कशेरुकी हैं, कशेरुकियों में पित्तक कहां बनेगा, लीवर में, कहां बनता है, लीवर यानी यकृत में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना वाइटेलोजेनेसिस में क्या होता है, पित्तक का निर्माण होता है, पित्तक अंडाशय में नहीं बनता है, अंडाशय से बाहर बनता है, अंडाशय से बाहर कहां बढ़ेगा, तो कीटों में, तो ध्यान रखना वसाकाय या फैट बॉडी में बनता है। ठीक है, और जो कशेरुकी हैं, कशेरुकियों में पित्तक का निर्माण कहां होता है, लीवर या यकृत। ठीक है, अब देखो आगे, ये जो पित्तक है, ये पित्तक घुलनशील होता है, पित्तक कैसा होता है, घुलनशील, क्योंकि ये रुधिर के माध्यम से जहां बढ़ता है
वहां से कहां आता है, अंडाशय में आता है। तो बनने के दौरान पित्तक कैसा होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। और घुलनशील पित्तक का, घुलनशील पित्तक का संग्रह नहीं हो पाता, ओप्लाज्म में जो घुलनशील पित्तक है उसका संग्रह नहीं हो पाता है। मतलब पित्तक को गाढ़ा बनाना पड़ेगा, घुलनशील से कैसा बनाना पड़ेगा, अघुलनशील, तब इसका ओप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में संग्रह होता है। और इसको गाढ़ा बनाने का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। पीछे हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स संपूर्ण ओप्लाज्म में पाए जाते हैं, जिनको बाल बेली के पित्तक वल्ले कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का काम क्या है, घुलनशील पित्तक को अघुलनशील बनाकर अंडे में संग्रह करने में सहायता करना, ठीक है। तो इस घुलनशील पित्तक को, घुलनशील पित्तक अघुलनशील कौन बनाएगा, तो ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स या माइटोकॉन्ड्रिया के जो बादल हैं, ये घुलनशील पित्तक को अघुलनशील पित्तक में बदल देते हैं। और इस अघुलनशील पित्तक का अंडे में संग्रह होता है, अघुलनशील पित्तक का क्या होगा, अंडे में संग्रह होता है, ठीक है। देखो इसके तो ये बात इसकी हो गई वाइटेलोजेनेसिस, ठीक है। अगली क्लास में हम पित्तक का रासायनिक संगठन, पित्तक के प्रकार और पित्तक के आधार पर अंडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।